भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ नजीबाबाद ब्रेकिंग न्यूज। चले लाठी डंडे। बिजनौर के नजीबाबाद में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड में चुनाव के दौरान दो पक्षों चले जमकर लाठी डंडे, दोनों पक्षों में हुआ पथराव। वहीं पीड़ित पक्ष ने दो राउंड हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। इसमें एक पक्ष के लगभग 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। फिलहाल शांति है। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर के बुनकी रोड स्थित सहकारी गन्ना समिति कार्यालय का है, जहां पर बुधवार डायरेक्टर पद हेतु चुनाव चल रहा था। चुनाव के दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जिसमें लगभग 3 से 4 लोग घायल होना बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष के ब्रजवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि गन्ना समिति के डायरेक्टर पद हेतु चुनाव में एक पक्ष के लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है, सातों ही लाठी डंडों से मारपीट कर 3 से 4 लोगों को घायल कर दिया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर नजीबाबाद एसडीएम, सीओ देश दीपक सिंह, कोतवाल संजय कुमार तोमर, एसआई मोहम्मद कयूम सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बाय संजीव कुमार वाजपेयी। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। के लगभग वहाँ बैठे थे, यहाँ हमारे कम आदमी, दूसरी पार्टी के वोट बहुत कम हो, उन्होंने केवल इस उत्सव के चुनाव पोस्टपोन्ड हो जाए जो भी हो जाए, उन्होंने उनके साथ झगड़ा कर दिया। मेरे भाई की, मेरे लड़के की, मेरे भतीजे की, दूसरे प्रत्याशी की, जो दूसरा पूर्व चेयरमैन है यहाँ का गन्ना समिति का, उसकी 7-6 आदमियों को बहुत चोट हो, बहुत हाल खराब। तमंचे थे, उन्होंने तमंचों से गोली चलाई। वो तो हम अगर उधर से ना हो और हम पर बंदूक उंदूक ना हो तो वे भागे भी नहीं थे, मार देते हमारे आदमी। फावला मारा, फावले से मारा, और डंडे थे, तमंचा था, बोतल फोड़ कर ले रखी थी कंच की, वो मार। कितने राउंड फायर की गई है जी? कितने राउंड फायर हुआ? कितनी बार गोली चली सर? कितनी बार गोली चली? गोली तो उन्होंने चलाई, जितने भी चलाई होगी 4-5 राउंड, जितने भी चलाए होगा तमंचे ले रखे थे। तो कितने सब टोटल लोग, कितने लोग घायल हैं? एक पक्ष से घायल है, दोनों पक्ष? एक पक्ष के। कितने लोग? लगभग 6-7 घायल है एक पक्ष। तो पुलिस ने थी, पुलिस भी बचाव में थी, मौजूद थी, बीच बचाव कराया। वो जो भी पुलिस की लापरवाही रही होगी या जो रहा होगा कि बीच जाओ, ऐसे ही जो भी रहा होगा पुलिस का। ठीक। वो लोग तो सब भाग गए जिन्होंने हथियार पथियार ले कर। अजी भाई हम वहाँ बैठे ना होते, आप ये बताओ जगह दिखाओ, मौका दिखाओ, हम वहाँ बैठे ना होते तो हमारे घर पे कुमार के तो ऐलान कर दिया था। मतलब एक सम्मानित परिवार के साथ इस तरह की घटना, गुंडे कर गए हो तो ऐसे ही होगा। कितनी बुरी घटना हुई है? आपका वोट है? वोट वोट है नहीं, वोट इनका बेटा ही तो लड़ रहा था साहब। यहाँ सरकारी के डायरेक्टर चुनाव चल रहा है, हरियाबाद चुनाव चल रहा था, बूथ से करीब 100 मीटर दूर झगड़ा हुआ है, इसमें 3 लोगों को चोट लगी है, उनका उपचार कराया जा रहा है, बाकी कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।
मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है।